इच्छा मात्र प्रभाव सृष्टि सृष्टो विनिश्चिता काला प्रसूति भूताना मन्यन्ते काल चिंतका। इस पर विचार चल रहा था, आनंद भी थोड़ा देखिए। यथा लोके कुलाल आदि संकल्पना मात्र घटाधिकारिया, लोक में भी वास्तव में कुलाल आदि का द्वारा किए जन घटाधिकार्य वह संकल्पना मात्र ही है। न तद्रेक घटाधिकार सृष्टि निष्ठा, उससे अतिरिक्त घटाधिकार सृष्टि कुछ भी इष्ट नहीं है। नाम रूपाभ्य मंत्र कार्य संकल्प्य भिस्त निर्माण अभिगमात, नाम रूप से वह अपने भीतर ही पहले संकल्प करता है, फिर बाहर में उस संकल्प के मुताबिक कार्य होता हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार ईश्वर ने भी नाम रूप जगत को अपने भीतर में संकल्प कर लिया, उतने से क्या हो गया, बाहर हुए के समान दिखाई देता है। तथा भगवत सृष्टि संकल्पना मात्रा न तदिरिक्ता काचित स्थिति केशांचित ईश्वरवादिना मदम, उस अतिरिक्त कोई भी सृष्टि बाह्य नहीं है, ऐसा कुछ ईश्वरवादियों का मत है। इस तरह से भोग्य को लेकर के विचार हो गया, सृष्टि को लेकर के पांच गल्प, और अब प्रयोजन को लेकर के होता, क्योंकि यथा तथा वास्तु सृष्टि, जो जैसा करा जैसा तैसा कुछ न कुछ तो है सृष्टि, रहने दो उसको, किम प्रयोजन, किंतु सृष्टि का प्रयोजन क्या। यहां भी विकल्प द्वय है, भोगार्थम सृष्टि रित्यन्ये क्रीडार्थम इति चापरे देवशेष स्वभाव अयम आप्त कामस्य का स्पृहा। भोगार्थम सृष्टि थी अन्य, कुछ लोग कहते हैं भोग के लिए ही ये सृष्टि है, हर व्यक्ति के अपने अपने कर्मफल भोग के लिए सृष्टि है, और कर्मफल भोग करेगा उसके वजह से इच्छा फिर जगेगी, तो फिर कर्म करेगा, ये चक्कर चलते रहेगा। खाने के लिए जीना, जीने के लिए खाने वाली बात है, वैसे कर्म के लिए भोग, भोग के लिए कर्म, चक्कर चलते रहता है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये क्रीड़ा के लिए सृष्टि है, भगवान की अपनी केवल क्रीड़ा है, लीला है। अन्य जितने भी मत है प्रयोजन को लेकर कहने वाले अन्य अन्य, उन सारे को संग्रह कर ले रहा है। देवस्य ऐसा स्वभाव, वस्तुतः भगवान का स्वभाव ही है ये सृष्टि होना, और स्वभाव के अंतर्गत सारी बात आ गई, काल वगैरह सब अपने आप समय समय पर सब चीज होता ही होते जगह स्वभावत होते। जैसे आप लोगों का अपना स्वभाव होता है, समय पे उठते हैं, लघु शंका शौच भोजन यह सब व्यवस्थित चल रहा है, टाइम टू टाइम सब समय समय पर होते जा रहा है, उसी प्रकार ईश्वर का स्वभाव है सृष्टि स्थिति प्रलय का होना। इस घर में कोई प्रयोजन वगैरह ढूंढो मत, ऐसा कहते, क्योंकि आप तक काम से का स्प्रहा, क्योंकि यह जो ईश्वर है आप्त काम है, पूर्ण काम पुरुष है, उसकी इच्छा ही क्या हो सकती है, न भोग के लिए इच्छा होगी, न क्रीड़ा के लिए इच्छा होगी, किसी प्रकार संकल्प नहीं, कुछ नहीं, इच्छा ही नहीं हो सकती ना कोई चीज का, संकल्प करने की भी तो इच्छा होनी चाहिए, वो भी नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ उसका स्वभाव से चलता है। एक अंतिम पाद आप्त काम से का सारा मत खंडन कर दे। यदि आप मानते हो उस ईश्वर को पूर्ण काम पुरुष है, फिर क्यों ये सब लफड़ा करेगा। आदमी करता कब है, जब अभी अपूर्ण काम है, उसकी पूर्ति के लिए मेहनत करता है, इच्छा करता है, संकल्प करता है, जो भी उसने विकल्प दिया सारा का सारा सृष्टि का, और भोग भोग के लिए करेगा, लीला के लिए करेगा, तो भी एक वह जो इच्छा है। चलो खेलते हैं, ऐसे मन आते हैं बच्चों को, खेलते कामना है ना, खेलने की कामना है इसलिए खेलता है, भोगने की कामना है तो भोगेगा, विषयों को शब्द रूप रस गंध स्पर्शों को अनुभव करेगा, इन सभी का पीछे कामना ही कारण है। और जब आपका जो आप ईश्वर जो पूर्ण काम है, आप्त काम है, वास्तव में अकाम पुरुष है, फिर वहां पर लीला या भोग या सृष्टि ये सब कहां से हो सकता है, सारे विकल्प खत्म। अतएव आत्मा अकाम पुरुष के नाते
पहले कई बार बोल चुका हूं, इसलिए विशेषता आनंद की आधिक्यता कैसे बढ़ती है, जितनी आपकी हर कामना घटती जाए उतनी आनंद बढ़ती जाए। श्रोत्र से काम तस्य, श्रोत्र से काम तस्य, बार बार कहेंगे तैत्र प्रसन्न प्रधान में भी आनंद मीमांसा प्रकरण में, जितनी कामना कम उतने आप आनंद में मस्ती में, जितनी कामना बढ़ती है उतना आदमी झंझट में पड़ती जाता है। और यह तो ईश्वर बिल्कुल कामना ही नहीं है, या तो पूर्ण काम है, या तो आपका प्राप्त कामना वाला है, या पूर्ण कामना वाला है, या तो काम वाला ईश्वर ही माना जाता है। ऐसे में सारी व्यवस्था आपकी जो विकल्प है सब खत्म हो जाता है। भाषण भोगार्थम क्रीडार्थम अन्य सृष्टि मन्यंत है, प्रयोजन कर कोई कहता भोग के लिए है, कोई कहता लीला के लिए है। अन्यो पक्ष और दूषणम देवस्य स्वभाव अयम, इन दोनों पक्षों को दोष देने के लिए एक बात कह दिया, देव का यह स्वभाव ही है। देव से स्वभाव पक्ष में आश्रित, देव के स्वभाव पक्ष को आश्रित करके सर्वेशम पक्षाणाम आपके काम से काश प्रिया दी, अथवा सर्वेशम वा जितने भी पहले पीछे पांच और ये दो सातों का सातों विकल्प, सर्वेशम पक्षाणाम सकल पक्षों को आपके काम से काश प्रिय थी, इस वचन के द्वारा दूषणम प्रदत्तम, ऐसा अन्वय कर लेना, पूर्वान्वय दूषण कर दिया गया है। नहीं रज्वादी नाम अविद्या स्वभाव व्यतिरेकेण सर्पाद्याभासत्व कारणम शक्यम वक्तुम, क्योंकि रज्वादी अधिष्ठानों के अंदर अविद्या के स्वभाव से अतिरिक्त सर्पादि रूपेण आभासित सृष्टि होना, स्थिति होना सर्प का और सर्प का लय होने के पीछे अविद्या स्वभाव से अतिरिक्त कोई और कारण सामग्री आप नहीं बोल सकती है। जैसे उसी पर यह भी क्या है, भ्रम है ना, जैसा रज्जु में सर्प भ्रम है, उस रज्जु में हुई सर्प भ्रम का पीछे तारस सर्प भ्रमात्मिका का विषय भूत है, जो सर्प है उस सर्प की सृष्टि, सर्प की स्थिति, सर्प का लय का कारण क्या आप कल्पना करोगे, क्या व्यवस्था देंगे। अविद्या के अलावा और कुछ व्यवस्था नहीं हो सकती है। जिस प्रकार उसी प्रकार से यह जो बाह्य जगत तुम आप देख रहे हो, इस जगत का जो घटपटादि विषय है और जगत संपूर्ण है, यह संपूर्ण जगत की भी एक भ्रम होने के नाते इस भ्रम का विषय होता जो जगत है, इस जगत की सृष्टि स्थिति और लय का पीछे कारण क्या होगा, एकमात्र विद्या माया के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और अविद्या भी वास्तविक ही नहीं है, जिसको दिखता है उसके लिए मानना पड़ता है। इसलिए कहते वो जिस प्रकार दृष्टांत में देखते हो यहां पर समझ लेना, अतएव इस ब्रह्म में वास्तव में सृष्टि हुई ही नहीं है, इस रज्जु में सर्प पैदा ही नहीं हुआ, न स्थिति है उसका न लय है। जिसको दिखा जाता है उन्हें कहना पड़ता है रज्जु में जो आवरण भूत है, जो कल्पिता अविद्या है, उसने सारा तुमको दिखा दिया था। और जिस क्षण तुम उस रज्जु का आवरण भूत अविद्या तुमने अपनी ही वृत्ति विशेष से नष्ट कर लिया, उसके बाद सर्व कहां रह गया। सर यहां पर भी जब यह अहंकार जो है अपने आवरणभूता विद्या को नष्ट कर लेता है, आत्मस्वरूप का आवरणभूता विद्या को अहंकार जो है अपने शास्त्र बल के आधार पर चलते हुए अपने जो पृथकत्व को त्याग करके स्वरूपत्व आत्मिकत्व अनुभव जब कर लेता है, तब क्या होगा, यह सारा संसारी खत्म, न तम न हम न वह जगत की स्थिति आ जाएगी। दूसरी पंक्ति, कहा स्वभाव नाम, ऐसा पूछे जाने पर जवाब में कहते हैं नैसर्गिको अपरोक्ष माया शब्दार्थ, नैसर्गिक अनादि सिद्ध अपरोक्ष सभी का अनुभव सिद्ध अविद्या, न किंचित अवेदिशां स्पष्ट बोलता है माया शब्दार्थ तस इत्या, उसको लेकर का अयम स्वभाव आप्त काम से काश, देव का एष स्वभाव, देव से परमेश्वर से स्वभाव सृष्टि रीति स्वभाव पक्षम नैसर्गिक माया विनिर्मिता सृष्टि रीति मतम, अनादि सिद्ध माया से निर्मित है सृष्टि, यह मत है सिद्धांतत्वेन आश्रित्य। देखो ये सिद्धांत पक्ष है, जिन लोगों को जगत है उन लोगों के लिए कोई जगत का कारणीभूत मायावचन चैतन्य रूप ईश्वर है, उस ईश्वर के स्वभाव है सृष्टि स्थिति लय होते रहना। चतुर्थ पाद दूषण उच्चत है, श्लोक का चौथा पाद समझना, आत्मा का चौथा पाद नहीं, यहां
पक्ष और अनियोर युज्य, दोनों पक्षों में जो भोगार्थम अथवा क्रीडार्थम, ये दो पक्ष के लिए आप तीसरे पाद को भी दूषण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। देवशेष स्वभाव यही दोष काफी है खंडन करने के लिए भोगार्थ और क्रीडार्थम के लिए, न भोगार्थम है न क्रीडार्थम स्वभाव है। यदि स्वभाव कहते ये दोनों पक्ष अपने आप खत्म हो गया, और बाकी पक्षों के लिए यदि आप तक काम हो सका कहने से बाकी पांच और ये दो सब भी इसी से भी हो सकती है। पक्ष और अनिवार्योद्याम ईश्वर से ईश्वरत्ख्यापनम सृष्टि एक पक्ष स्वप्न स्वरूप माया स्वरूप सृष्टि पक्ष द्वयम। देखो सब गिना रहे हैं, सृष्टि ईश्वर का ख्यापन करने के लिए सृष्टि होती है, पहला पक्ष थी, दूसरा था स्वप्न स्वरूप, तीसरा माया स्वरूप, चौथा सत्य संकल्प सृष्टि थी पक्षांतरम, और पांच और अंत वाला था कालादेव जगत सृष्टि ही न ईश्वरात ईश्वरस्तु उदासीना एक अंतिम पक्ष। तथा तो विकल्पांतरम और उसमें प्रयोजन का विकल्प था भोगार्थम क्रीडार्थम सृष्टि फलगतंच विकल्प द्वयम तेषाम एतेषाम सर्वेषाम एव पक्षाणाम दोषणम चतुर्थपादन उत्तम, उन सभी पक्षों का दोष एक की जवाब से दे दिया। आप्त काम से नो खलु आप्त काम से परस्यात्म माया विना विभूति ख्यापनम उपयुज्यते, क्योंकि आप्त काम जो परमात्मा है शुद्ध ब्रह्म हम माया के बिना उसकी विभूति तो ख्यापन भी नहीं हो सकता ना, शुद्ध ब्रह्म का कोई विभूति भी है ये माया के बिना कैसे पता चलेगा, माया से ही उसकी विभूति का प्रकाश है, विवर्त कैसे होगा नहीं तो ब्रह्म। ब्रह्म विवर्त होने का पीछे जैसे कपड़े के ऊपर सुंदर चित्र बनाने के पीछे उसे जो माड़ लगाते हैं मुख्य कारण है, ये माड़ ना लगाया जाए कपड़े में चित्र जमता नहीं मामला। आजकल जो प्रिंटिंग करते हैं कपड़ों पर है ना, प्रिंटिंग ही कर दिया, रंग रंगड़ा ने पेंटिंग करने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रिंटिंग में कहाँ टिकता है, दो चार बार धो गया और खत्म गया। कारण क्या है कि वो जो मंड था वो निकल गया, जहां से निकल गया वहीं से चित्र भी गायब हो जाएगा। इसलिए से माया के बिना और निर्गुण ब्रह्म का विभूति भी व्याख्यान आप ख्यापन नहीं कर सकते। न च स्वप्न मायाभ्याम सारूप्य मंत्रेण स्वप्न माया दृष्टि सृष्टि इष्टम शक्यते, और स्वप्न और माया में देखा पदार्थों की सदृश अन्यत्र कहीं सत्य पदार्थ को देखे बिना स्वप्न या माया में सृष्टि का कथन करना भी इष्ट नहीं है। अवस्तु नो रेवत यो तच्छब्द प्रयोगात, क्योंकि वास्तव में अवस्तु जो वस्तु है ही नहीं उसके लिए ही ये शब्द प्रयोग होते स्वप्न। स्वप्न का मतलब क्या, चीज है नहीं झूठी दिखाई दिया, इसी का नाम तो स्वप्न है। स्वप्न नाम किसका है, जो चीज हो ना किंतु दिखाई देवे फालतू के, उसी का नाम स्वप्न है। माया भी उसी का नाम है, जो चीज है ही नहीं फालतू का दिखाई दे रहा है, इसी का नाम तो माया है। नच परमानंद स्वभाव से परस्य बिना माया इच्छा संगचत है, और विपरीत में भी समझो और माया स्वयं इच्छा कैसे कर डालेगी, चेतनता के बिना चेतन की सानिध्य चेतन की जो है सहयोग के बिना जड़ात्मिक माया स्वयं उसके अंदर इच्छा कहां से जग जाएगी, कि इच्छा तो चेतन धर्म माना आपने नहीं आया कादि होने क्या है, इच्छा को चेतन धर्म मानते तो जड़भूता माया कैसे इच्छा कर लेगी बिना परमात्मा का। इसे कहते हैं परमानंद स्वभाव से परस्य बिना मायाम इच्छा न संगच्छते, नहीं तो स्वतो अविक्रियस्य इच्छादि भाक्तम युक्तम, स्वतो अविक्रिय भूता वह उस परमात्मा के अंदर भी इच्छादि का संबंध नहीं कह सकते। न च माया मंत्रण भोग क्रीडित सुखपते थे, और माया के बिना परमात्मा न भोग न क्रीड़ा हो सकता है, तो मायामयी भगवदा सृष्टि तीर्था, इसलिए मायामयी सृष्टि है भगवान का यह माननी पड़ेगी। यदुक्तम कालात् प्रसिद्धि भूतानाम इति, कोई कहता है काल से उत्पन्न हुआ, कहते नहीं नहीं भाई, रज्जू में जो सर्प पैदा हुआ उसका कारण क्या था, काल था क्या, किसी काल विशेष में ही रज्जु में सर्प दिखेगा क्या, काल से कोई लेन देन नहीं है, अनेक निमित्त कारण है बाह्य मंदांधकार वगैरह, उन अनेक निमित्त कारणों को लेकर के वहां रज्जु आवरणात्मिक अविद्या सब कुछ खेल रच देती है, वो उसी अविद्या का काम है। अविद्या का सत्वांश
उस वस्तु को प्रकाशन करेगा, अविद्या का रजोंश उसमें क्रिया संपादन करेगा, अविद्या का तमोंश स्थूल सर्प को दिखा देगा। अंश त्रियात्मिक अविद्या सारा काम कर देता है। और आपकी जो वृत्ति यहां से गई है उसका संबंध किससे हुई? अविद्या से। आपकी वृत्ति ने क्या किया? यहां से जाकर के देखना चाहता था रज्जू को, या जो पड़ा चीज उस चीज को जानना चाहता था। अब जानते नहीं रज्जू है वो, और लेकिन कुछ चीज पड़ा है वो देखना चाहते हैं आप। वस्तु को देखने गए तो यह वस्तु को देखने गई हुई वृत्ति वस्तु को आवरणात्मक अविद्या को भंग नहीं कर सकी मंद अंधकार आदि बाह्य निमित्तों के कारण। तब वृत्तिवचिन चैतन्य उस अविद्यावचिन चैतन्य से मिलजुल करके सारा नाच रचा दिया। वहां यहां से वृत्तिवचिन चैतन्य गया, वहां रज्जु अवचिन चैतन्य आवरणात्मिक जो अविद्यावचिन चैतन्य है उसके साथी के लिए एकीभूत हुआ। उस अविद्यावचिन चैतन्य के साथ एकीभूत अविद्या को भंग करके रज्जु को प्रकाशन नहीं कर सका। तब अविद्यावचिन चैतन्य के साथ एकीभूत हुआ या रहा वृत्तिवचिन चैतन्य क्या कर दिया? वहां पर एक सर्प को बना लिया। उस अविद्या को सर्प को ही बनाने में मदद कौन किया? वृत्तिवचिन चैतन्य जो गया हुआ है उसके अपने एक संस्कार विशेष थी वो सख्त काम कर ध्यान विद्या से अवचिंचित से वृत्तिचिन्न एक ही भूत हुआ। और जिस वस्तुओं का प्रकाशन न होने के कारण से क्या किया? जटित इसके पास विद्यमान संस्कार को लेकर के अविद्या ने वहां सर्प की रचना कर सृष्टि कर। वहां कोई काल वगैरह कारण नहीं है। इसे जो अंतिम पंक्ति भाषा में जो है रज्जुवादी दृष्टांत जो दिया है वो इसलिए दिए दिखाने के लिए काल से सृष्टि जो मानते हैं उनका खंडन करने। इस अधिष्ठान भूत रज्जुवादी नाम स्वभाव शब्द तो स्व अज्ञानादेव। स्वभाव शब्द से क्या लेंगे? वास्तव में यहां अज्ञान ही है, अविद्या माया आवरणात्मिका सर्पाद्याभासत्वम तथा परस स्व माया शक्ति वशाद आकाशादि आभासत्वम। उसे उस परमात्मा के अंदर उसी की माया शक्ति की वजह से आकाशादि रूप आभास होता है। इन्हीं बातों को मन में रखकर आत्मन आकाश संभूत इत्येश्वरते है न तो काल से भूत कारणत्वम प्रमाणाभावात्। अतएव काल जो है भूतों का कारण है इसमें कोई श्रुति प्रमाण नहीं है ना। तस्माद् आत्मन आकाश संभूत का कहीं कालाद आत्मन आकाश संभूत का है ही नहीं, इसलिए भी यह मत ठीक नहीं है। इस प्रकार से प्रथम छह मंत्र जो थे अवस्था त्रय को ख्यापन करने वाले अवतमानिक विश्व थे जिस प्राग्ञ वृष्टि में और समष्टि में विराट या वैश्वानर हिरण्यगर्भ और ईश्वर उन त्रय का चिंतन करता हुआ उन तीनों में विद्यमान जो तीन आत्मा माने जा रहे हैं तो अवस्था त्रय का अभिमानी वो तीन नहीं है वो एक ही है। स्थान भेद से भोग भेद से है ना आप्त भेद से जो कथा अवस्था भेद से जो कहा गया है उनमें व्याप्त हुआ एक ही आत्मा है स्थापित कर दिया। और वह आत्मा तत्वोपाधि से रहित होकर तुरीय भी होकर विशुद्ध रहता है सदा परिच्छिन्न ही नहीं होता। अवस्थात्र में परिच्छिन्न है ना वो तत्त अवस्था अवच्छिन्न है तत्त स्थान से अवच्छिन्न है तत्त भोग से विशिष्ट है अति तत्त संज्ञा विशेषों से ख्यापित है। लेकिन वास्तव में इन सकल स्थान विषय और अवस्था आदि का परित्याग करता हुआ संज्ञा त्रय को भी त्याग नहीं इसलिए अपने आप वो तीनों चीजें उपाधि छूट गई स्थान विषय अवस्था ये तीनों उपाय जब छूट जाएगी तो नाम किस लिए रह गया? फिर उसके वजह से तीन अलग अलग नाम पड़े थे तब क्या रहेगा? तुरी रहेगा। उस तुरी का कथन करेंगे हम अब सातवें मंत्र में। उसके लिए भूमिका देके काफी लंबा चौड़ा दे रहे हैं। आत्मनः चतुर्थ पाद करो प्राप्त वक्तव्य इत्याह। यहां चतुर्थ पाद में से श्लोक का चौथा पाद नहीं लेना पूर्व कारिका की, यहां चौथा पाद मैंने आत्मा का चौथा। आत्मा का तीन पाद का वर्णन हो गया छह मंत्रों से और नौ कारिकाओं से। अब जो आत्मा का चौथा पाद है जो क्रमशः प्राप्त हुआ वही प्राप्त है अंतिम वो कहना चाहिए। इसके लिए ही आरंभ कर रहे त्याह नान्त प्रज्ञम इत्यादि ना मंत्र आएगा। निषेध मुख से ही कहेंगे नान्त प्रज्ञम न भैष प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम
इत्यादि मंत्र शुरू होने वाला है। सर्वशब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्व तस्य शब्द अनुभिधेयत्व इति विशेष प्रतिषेध नैव च तुरीयम् निर्दिदीक्षति, क्योंकि सकल शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त शून्य है वो। किसी भी शब्द के प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के किसी भी शब्द को आप उस ब्रह्म तत्वी तत्व के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। अभी आया था ना आपका शब्द प्रवृत्ति निमित्त गीता में भी, क्या क्या शब्द का प्रवृत्ति निमित्त? हाँ, जाति गुण क्रिया संबंध चार, लेकिन यहाँ एक और भी गिनाएंगे, पांच बोल देंगे, एक रूढ़ी नाम से बुला रहे हैं। अगले पृष्ठ चौथा पंक्ति अंधेरी में आएगा, विस्तार पूर्ण जो विचार करें वहीं बाद में देखेंगे। अब समझ लो सभी शब्दों का जो प्रवृत्ति निमित्त माने गए हैं चार या पांच जो भी है, उनमें से एक भी प्रवृत्ति निमित्त इस ब्रह्म तत्व में तुरी तत्व में न होने से कोई भी शब्द को वहां प्रयोग नहीं हो सकता। तस् शब्द अनभिधेयत्व, वह शब्द के द्वारा अभिधेय नहीं है। यदि विशेष प्रतिषेध है नहीं वो, इसलिए जो जो विशेष आपने पूर्व अवस्था त्रय में सुना है, उपाधि त्रय सुना है आपने, उन सब विशेषों का प्रतिषेध के द्वारा ही तुरीयम् निर्दिदीक्षति तुरीय तत्व का निर्देश करने की इच्छा से अगला मंत्र श्रुति आरंभ कर रही है। तब पूर्व पक्ष झट खड़ा हो गया, महाराज मंत्र बोलो मत पहले, फिर तो आत्मा शून्य है, शून्यम एव तरितत्। पूर्व पक्षी खड़ा होकर बोलता है, महाराज फिर तो आपको आत्मा ये शब्दों का निर्देश करने योग्य ही नहीं है, शब्दों का विधेय नहीं है, फिर तो वह शून्य है। सिद्धांत कहते हैं ना ऐसा मत कहो। आनंद गिरी तीसरी पंक्ति को, सर्वाणी शब्द प्रवृत्तो निमित्तानी षष्टि गुणादीनी, षष्टि में संबंध एक नंबर टिप्पणी, इसलिए तई शून्यत्वा तुरीय से वाच्यत्व योगा, उनसे शून्य से तुरीय के अंदर वाच्यत्व नहीं रहा, इसे निषेध द्वारा इतने निर्देश संभवती, इसे निषेध मुख से ही प्रसक्त का निषेध के द्वारा शिष्ट का अवबोध करना वाच्यत्व अनुपयोगात, क्योंकि नियम यही है प्रसक्त प्रतिषेधेन शिष्टस्य अवबोधनम परिशेषम, ये परिशेष पद्धति से बोध कराया जा सकता और कोई रास्ता नहीं, इसी को अतद व्यावृत्ति भी कहते। तद क्या है? ब्रह्म। अतद क्या है? ये जगत, इसकी व्यावृत्ति माने निषेध कर देना। जगत निषेध द्वारा ही जो परिदृश्यमान जगत है, प्रसक्त जो जगत है, इसे प्रतिषेध करते करते जाओ, एक एक का प्रतिषेध करते जाओ, तो क्या शेष बचेगा? उसी का नाम ब्रह्म है। शिष्ट माने परिशिष्ट जो अवशिष्ट है उसका बोध स्तर से जो करा दिया जाए उसी का नाम क्या है? अतद्व्यावृत्ति, या दूसरे शब्दों में कहा उसको निषेध मुखेन विशेष प्रतिषेध मुखेन उपदेश देना। तब पूर्व पक्ष खड़ा होकर कहता है, महाराज ये तो हो नहीं सकता, साक्षात वाच्यत्व जी नहीं है, इसके लिए आप निर्देश कर रहे हो। फिर वह चतुर्थ जो चीज है, चतुर्थ पाद वाला विधि मुख से उसका निर्देशन ना हो सकता है, फिर तो वह शून्य है। तन निषेधे ने निर्देशमानत्वात्, क्योंकि निषेधों के द्वारा निर्देशमान होता है जो, वो अंत में क्या है? अभावात्मक हो गया। आपसे पूछा पट क्या है, तो आपने घटा भाव है, कुड़ाला भाव है, चक्रा भाव है, जैसे चित्र ने था ना, कुड़ाल है, घट है, चक्र, सब चित्र बना हुआ है, आपने पट का वर्णन करो बोला, तो आप क्या कह रहे हैं? अरे जो कुड़ाल दिख रहा है, कुड़ाल के अभाव का नाम पट है, चक्र दिख रहा है, चक्र के अभाव का नाम पट है, ये जो रासब कड़ा है उस रासब के अभाव का नाम पट है, ऐसे जितने भी वहां चित्र हैं सब के अभाव निषेध कहते जाओ कहते जाओगे, तो क्या कहे समझेगा वह? इसका तो अभावात्मक है पट, फिर तो पट क्या है? अभावात्मक है। अभावात्मक का मतलब शून्य है। यदि चैन तो सिद्धांत कहता है सहमत कहो भाई, तुरीय जो वस्तु है शून्य नहीं हो सकता, शून्य तो आप अनुमान नहीं कर सकते, तुरियम शून्य आत्मक निषेध विषेधात्, तुरी जो है शून्य है निषेध का विषय होने से घटाभावत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है
कदनेन है भाई सदधिष्ठानां कल्पना अधिष्ठान कल्पितत्वात् तथा विद रजतादिवद ये अनुमान सब उस पूर्व पक्ष का अनुमान खंडन कर देंगे। आनंदगिरी में सिद्धांत पक्ष का अनुमान दिया है, देखिए विमतान जगत सदधिष्ठानं कल्पितत्वात् तथा विद रजतादिवत विमत कैसे क्या लेना विमतम जगत विवादास्पद कौन है जगत है। वह जगत कैसा है सत्रुपी ब्रह्म रूपी तुरी का तुरी अधिष्ठान वाला है क्योंकि जगत कैसा है कल्पित है। तथा विद रजतादिवत कल्पित रजतादि के समान कि कल्पित रजत भी शुक्तिर भी सत्य अधिष्ठान वाला है ना। कल्पित रजत कैसा है सत्य अधिष्ठान वाला है। सत्य अधिष्ठान कौन है वहां शुक्ति है दृष्टांत में शुक्ति रूपी सत्य अधिष्ठान में रजत कल्पित होने से दृष्टांत में घट गया ना हेतु और साध यत्र यत्र कल्पितत्व तर तत्र सद अधिष्ठानवत्व जो जो कल्पित होता है वह वह कोई न कोई सत अधिष्ठान वाला होता है। जैसे कल्पित है रजत अतः वह सतरूपी शुक्ति अधिष्ठान वाला है जैसा वैसे जगत भी कल्पित होने के नाते सत अधिष्ठान वाला है। इस प्रकार से उसकी शून्यात्मकता खंडन करके सदात्मकता सिद्ध हो गया। वह अधिष्ठान कैसा होना चाहिए हमेशा सत अधिष्ठान ना शून्य अधिष्ठान में होगा क्या कल्पना शून्य अधिष्ठान में कल्पना नहीं होती है सद अधिष्ठान में होता है। अतएव अधिष्ठान भूता जो जगत का अधिष्ठान होता ब्रह्म यथा रजताधिष्ठान भूता जो शुक्ति सत्य है उसी प्रकार जगदाधिष्ठान भूता जो ब्रह्म या तुरी तत्व सत्य है शून्य नहीं है इस सिद्ध हो गया अनुमान से। इस बात को मन में रखकर भाष्कर कर देगा मिथ्या विकल्प से निर्निमित्व अनुपत्ते है कि मिथ्या भूता जो विकल्प है कल्पना विकल्प नहीं है कल्पना मिथ्या भूता जो कल्पना है निर्निमित निर्दिष्ठान अनुपत्ते है निमित्त तात्पर्य अधिष्ठान निर्दिष्ठान नहीं हो सकता। और स्पष्ट करते हुए नहीं रजत सर्प पुरुष मृग दृष्टकारी विकल्प शुक्ति का रज्जु स्थानो उशरादि व्यतिरेकेण अवस्थास्पद शक्य कल्पयितुम अवस्थास्पद शक्य कल्पयितुम कहते हैं कि भाई देखो रज्ज रजत है शुक्ति में सर्प है रज्जु में पुरुष है ठूंट में स्थानो अनुग दृष्टि का ऊषर भूमि आदि से व्यतिरेकेण उनसे भिन्न होकर के अवस्थास्पदाह माने अवस्तु शून्य अधिष्ठान वाला आस्पद ना अधिष्ठान वाला होते हुए कल्पना करना भी नहीं शक्य कल्पितु भी नहीं शक्य शून्य रूपी अधिष्ठान में इन अधिष्ठान को छोड़ के शुक्ति रजत है ना रज्जु शुक्ति रज्जु स्थानो और ऊषर भूमि इनको छोड़ करके आदि व्यतिरेकेण अवस्थास्पद शून्याधिष्ठान का कल्पयितुं न शक्याः ऐसा कोई कल्पना कर ही नहीं सकता शून्य में। एवं तरे प्राणादि सर्वकल्पास्पदत्वात् तुरीयस्य शब्दवाचित्वं इति न प्रच्छेद प्रत्यायत्वं उदकाधारादेरिव घटादे है। तब पूर्व पक्ष कहता है फिर तो उसको सर्वाधिष्ठानत्व लक्षण बना देना सर्व कल्पनाधिष्ठान ब्रह्म सीधा वाच्यार्थ बन गया ना कैसे बोल रहे तुम नहीं बनता है अधिष्ठान शब्द वाच्यार्थ हो गया ब्रह्म कहा को निषेध मुख से बोल रहे हो सीधे सीधे आप अन्वय अन्वय मुख से लक्षण बना के बोल सकते हो जगदात्मक सर्व कल्पनाधिष्ठानत्व ब्रह्मण लक्षण सीधे बोलो प्राणादि सर्व विकल्प अधिष्ठानत्वात् प्राणादि सकल विकल्पों के अधिष्ठान होने से तुरीय भी शब्द वाच्य ही हुआ शब्द अनभिधेय अवाच्य नहीं रहा। इसलिए न प्रतिषेध प्रत्ययता इसे प्रतिषेध वाक्यों के द्वारा प्रसक्त प्रतिषेध वाक्यों के द्वारा उस ब्रह्म को बोध कराने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि जैसे घड़ा क्या है किसने पूछा तब आप जलाधिष्ठान तुम घटत्म कह दिया जल का जो आधार है उदक आधार आदे रिव उदक आधार तुम घट से कलश से घटादे है। जैसे आप जलाधारत्व ने घट का बोध करा सकते हो सर्वकल्पनाधिष्ठानत्व ने ब्रह्म को नहीं बोध करा सकता नवे मुख से सीधे सीधे
इति चेन्न कथ घटाधारत्व जलाधारत्व जो घट में है, जलाधारत्व जो घट में है वो क्या है? जलाधारत्व जो घट में आप देखोगे वो कैसा है? वो व्यभिचारी है, सदा घट जलाधार नहीं हो सकता है क्या? ये जरूरी है घट में हमेशा हम जल भर के रखेंगे? अरे कभी चना भर के रख देंगे, कभी कुछ भर के रख देंगे, कभी दही रख दिया, कभी कोई और चीज रख लिए अपनी मर्जी, या खाली उल्टा कर रख दिए, कोई जरूरी है हमेशा जलाधार बने रहना वो? लेकिन ब्रह्म में ऐसा व्यभिचारी लक्षण कैसे बना दूंगा जब घट में ही आपको जो है वाच्यत्व एक अव्यभिचारी लक्षण नहीं बना सकते हो आधारत्व को लेकर के? बल्कि अव्यभिचारी लक्षण क्या होगा घट का? कंबुग्रीवादिमत्व, चाहे उसे जल रहे चाहे कुछ भी रहे, कंबुग्रीवादिमत्व तो व्यभिचारी नहीं होता। उस प्रकार से कोई आकार विशेष को लेकर, गुण विशेष को लेकर आप ब्रह्म में नहीं बना सकते लक्षण। वहां तो कंबुग्रीवादिमत्व बन जाएगा, लेकिन उसके आकार है और उस आकार विशेष का अमुक नाम है, ये बोल सकते हो नाम और रूपात्मक जगत है वो, इसलिए नाम रूपात्मक जगत में रूप को लेकर लक्षण बना सकते हैं तब तद नाम वाची वस्तुओं का। लेकिन जो नाम रूप रहित है ब्रह्म, उसमें कैसे बना दूंगा लक्षण? इसलिए असंभव है। प्राणादि विकल्प से असत्वात् शुक्तिकादिशु इव रजतादे है कि वास्तव में जैसा जल भी वह सत्य है, घट भी सत्य है, इसे जलाधारत्व घट में आ भी जाएगा कुछ समय के लिए, यावत काल पर्यंत जल घट में है तावत काल पर्यंत जलाधारत्व घट में आप बता भी सकोगे, क्योंकि जल नाम का चीज है। इन्हें प्राणादि विकल्प है क्या? हैं? प्राणादि विकल्प से असत्वा, ये तो है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए वंद्या पुत्र वत्ते सारा जगत है नहीं, वो झूठ दिख रहा है। इसीलिए विद्यमान वस्तु को लेकर आप अधिष्ठानता घटा रहे थे घट में, जल एक विद्यमान वस्तु है उसको लेकर आप तदाधारत्व घट में ले आए, लेकिन यहां कैसे घटाओगे आप? कुछ विद्यमान ही नहीं है, किसके अधिष्ठान बोलोगे आप? प्राणादियों का अधिष्ठान, प्राणादि विकल्प तो है ही नहीं, कहते मुझे दिख रहा है। अरे आपको दिखाई तो दे रहा है, इतने मार से है जो मानना जरूरी है कि आकाश में नील रूप दिखने से फिर आप मान लो आकाश में रूपवान है आकाश, मान लोगे क्या? कोई भी दर्शन वाला आकाश में रूप गुण को नहीं मानता, कोई भी दर्शन नहीं मानता आकाश में, लेकिन सबको दिखता आकाश में नील रूप, क्या करें उसके? बताओ, दिखते हुए कोई मानने को तैयार है नहीं, उसमें दिखाई तो दे रहा है, सभी को दिख रहा है, लेकिन कोई मान नहीं रहा है। इसी तरह से आप जगत भले आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कहो ना ब्रह्म है ही नहीं, क्यों नहीं मानते हो? अवस्था क्या होना है? इसे कौन सी अवस्था की जरूरत है आकाश रूप में ये बोलने को? उसे ब्रह्म मानने में आपत्ति क्या? आप असल में क्या है, इसमें आसक्ति हो रखी है। आकाशस्थ रूप में आपको कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए आप झटी थी बोलते नहीं है, बोलने में कोई झिझक की नहीं है आपको, लेकिन इसमें आसक्ति है ना, ये मेरा है, मैं हूं, मैं और मेरा ये जखड़न जबरदस्त है, ये कह नहीं सकता ये नहीं है मेरे स्वरूप में, ब्रह्म में नहीं है, नहीं बोल सकता। आसक्ति थे इसलिए असंग शस्त्र दृढ़ छित्वा कहा, इसलिए दृढ़ता पूर्वक छेदन करना पड़ता है, असंगता में आना पड़ता है, ये संग दोष है। इन चीजों के प्रति जो हमारा संग है, संगा संजाय दे काम कामा क्रोधो विजय, सारा चक्कर संग। और स्वरूप क्या है आपका? असंग होयम पुरुष कदि पुरुष, और हम यदि हम असंग पुरुष अपने स्वरूप भूता असंगता में पहुंच जाए, फिर तो आपको कहानी में कोई जगत है ही नहीं, फिर जब क्या हो रहा है तो नाटक चल रहा है, लीला चल रही है आपके अपने दृष्टिकोण में, ये हो रहा है क्या आपत्ति है? अरे आपके दृष्टिकोण में नहीं है क्या? हाँ, हमारे दृष्टिकोण में भी यह एक स्वप्नवत मायावत चल रहा है, जिसे माया भी कल्पना करते हुए रस्सी है सीधा हो गया, देखो देवता आ रहा है, देवदूत आ रहा है, देखो देखो तो देवदूत आ गया। वैसे भी शरीर का आना जाना जो कुछ भी हो रहा है, सारा का सारा एक सिनेमा के समान, नाटक के समान समझ लेने कोई आपत्ति नहीं,
इसे अपनी अपनी जो पात्र रहता है, जैसे एक सिनेमा में क्या होता है, नाटक में क्या होता है, जिसको जो पाठ करने को मिला है, अदा करने को मिला है, वह उसकी पात्रता को इतने बढ़िया ढंग से अदा करता है, आदमी देखते रह जाता है उसको। और जहां आप जिस सिनेमा में जो पाठ करने लगे, अपनी अपनी पात्रता को सम्यक अदा नहीं किया, आप क्या कहेंगे, सिनेमा फ्लॉप हो गया, चली नहीं, बेकार, चलती नहीं। फिर इस तरह से आपकी सिनेमा भी नहीं चलती, आपका जीवन रूपी सिनेमा फ्लॉप हो जाता है यदि आप ठीक से उसको अदा नहीं करते। ठीक से अदा करने का मतलब क्या, शास्त्र में प्रमाणम दे कार्य कार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र प्रमाण के आधार पर अपना कर्तव्य को समझ के करते रहना पड़ता है, तब आपका जीवन रूपी नाटक फ्लॉप नहीं हो सकता, फेल नहीं होने वाला, क्योंकि आप अपने जीवन को अपना कोई भाव से कर ही नहीं रहे हैं, अहंकार से नहीं, किसी से नहीं, अरे हमारा शास्त्र कह रहा है, वेद कह रहा है, इसे करो ये करो ऐसे कर रहे हैं बस काम कर रहे। ऐसी परिस्थिति में हमें ये कर्तव्य बताया, वो कर्तव्य हम निभा रहे हैं। जब कर्तव्य निभाओगे अपने आप आपका आहार विहार क्या हो जाएगा, युक्त हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसो युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अपने स्थिति आएगी, शास्त्र के अनुसार आप जीवन चलने का प्रयास करने लग जाएं, अपने आप उस स्थिति आती है, जहां स्थिति आ गई फिर भगवान ठेकेदार बन जाते, योगक्षेम वहाम्यहम्। कि युक्त आहार विहार में क्या है, यदृच्छाला में संतुष्ट हो जाएगा, विद्रता में संतुष्ट हो जाएगा, योगक्षेम वहाम्यहम् आ जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा आपके साथ, और सारी व्यवस्था बनती जाती बनती जाती होती है, क्योंकि आप सही ढंग से नाटक कर रहे हैं। आपके नाटक में सहयोगी पात्र जिस तरह के लोगों की जरूरत है, उन पात्रों को स्वयं भगवान जोड़ते जाएंगे, और एक भी गड़बड़ नाटक करने वाला बीच में आता है तो उसको भगवान तुरंत भगा देंगे, चल भाई तू यहाँ ये नाटक मंडली के लायक नहीं है। नाटक वाले मंडली होते हैं रामलीला की मंडली, तो वैसे ये भी एक मंडली है, इस मंडली में कोई आता है नया कोई पुराना चला जाता, शाश्वत कोई मंडली तो है नहीं। हनुमान जी की एक्टिंग कर लो, कब तक करेगा, बुढ़ा हो जाए तब भी हनुमान जी की एक्टिंग कर पाएगा क्या, नहीं वो दूसरे मंडली में भी नहीं, वो तो बुढ़ा हो गया ना, किसी मंडली के लायक नहीं है वो, हाँ तो कोई दूसरा जवान आ जाएगा ना उसमें, कोई दूसरा जवान आ जाएगा हाँ मंडली में जाएगा वो, तो वो भी जा सकता है जहां उसके अनुकूल मिल जाए मंडली वहां पहुंच जाए। यही तो हो रहे जीवन में, और एक हो क्या रहे, आप जब चार छात्रों का गुट है वहां से एक निकले दूसरे कहीं और पहुंचेगा, वो वहां से इधर कोई और आने का चाह रहा है वो यहाँ टपकेगा, ये चल रहा है, ये भी ऐसे ही है ना। आप उसको वहां समझते हो जिस वजह से यहाँ क्यों नहीं समझते, समस्या तो यही होती है। यहाँ भी समझ लेंगे तो ये जीवन एक बहुत सुंदर नाटक हो जाएगा। आपको देखो दे नया नया आ गया, एक नया नाटककार आ गया है अभी हम लोगों के बीच में, एक रिटायर्ड हो गया या प्रसन्न हो गया, तंखा कम मिली होता है इन्हीं कारणों से, तो आदमी चला जाता है ना, अपेक्षाओं के अनुरूप उस मंडली से जो उसका अपेक्षा है, उस नाटक मंडली से अपेक्षा जो थी वो ना मिली तो निकल गया दूसरा मंडली में चला जाता है, निकल ली, ये भी हो सकती है, क्यों नहीं, हो गया कमाई कर लिया जाओ रिटायर्ड हो गया, ऐसे मैंने कहा रिटायर्ड भी हो सकता है, तो हमने कहा ऐसे रिटायर्ड क्यों बोला मैंने, अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो जाएगा, स्वयं रिटायर्ड हो गया तो जाएगा, यही तो कारण हो सकते हैं और क्या हो सकता है। और कई बार से रिटायर नहीं होता है तो भगवान जो है आजकल की सरकार वीआरएस करती है, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस करती है, जाओ जबरदस्ती चल जाओ, निकाल दिया जाता है, क्या करें मंडली के अनुकूल है नहीं, एक सड़ा मछली पूरी तालाब को सड़ा देता है, दुर्गंध रहा है ना जल को, तो क्या करना पड़ता है, उस मछली निकाल बाहर फेंको, वैसे ही करना पड़ता है। एक ऐसा सड़ा मछली पूरे मंडली को खराब कर रहे एक व्यक्ति, तेकम कुलस्यार्थ है, नीति शास्त्र क्या कहता है, अपने गुरुकुल की रक्षा करने से एक बदमाश विद्यार्थी को निकालने में गुरु को कभी दया नहीं करनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, देखे गड़बड़ आनंद है उसको तुरंत ही जो है हटानंद कर देना चाहिए, हटाओ उसको तभी गुरुकुल टिकेगा ना। जैसे कुल होता है, घर होता है, घर में भी एक गड़बड़ है तो फिर उसको तुरंत नियंत्रण करना जरूरी है, तो उसके चक्र सब बिगड़ जाएंगे। सिर्फ बड़ा सही है तो सब सही चलते, देखो बड़े के नकल करते ना छोटे जितने भी है, एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल का फर्क होता है,
बड़ा जैसे चले वैसे वो भी पीछे चलेगा, वो जो खेलेगा ये भी खेलेगा, वो जो बोलेगा ये भी बोलेगा, वो गाली बोलेगा ये भी गाली बोलेगा। जब बड़ा सही नियंत्रण में है तो सब पूरा का पूरा परिवार टिक टिक जाता है। फिर भी कोई कोई शैतान एक जन्म की कोई पाप संस्कार से कोई शैतान पैदा हो गया घर में, बीच वाला गड़बड़ कर उसको तुरंत कंट्रोल करना पड़ता है। उसी प्रकार गुरुकुल है, उस आश्रम में सब इसी प्रकार के हैं। कोई छोटा नाटक मंडली है कोई बड़ा नाटक मंडली, इतना ही तो फर्क है। अपने पास छोटी सी नाटक मंडली है, कैलाश आश्रम बड़ा नाटक मंडली है, उससे और एक आश्रम और बड़ा नाटक मंडली होगा। पूरा संसार क्या है, उस ईश्वर का एक भयंकर नाटक मंडली है। और क्या खराब है कि अच्छी है वो तो आपकी अपनी अपनी अपेक्षा के अधीन है ना, फिर वही बात आ गई ना, आपकी अपेक्षा के अनुसार है खराब है कि अच्छा है। अब खड़ी करो ना करो, अब खड़ी हो गई तो क्या कर लोगे, दिखाई दे रही है ना खड़ी ही है, ये तो कहते ही हैं सभी, हम लोग भी कहते रहे कभी मत बनाना, लेकिन क्या करें, स्वाध्याय करना है, चिंतन मनन करना है तो करना पड़ा। वो भी प्रार्थकर्मानुसार ना हुआ, अभी ना चाहते हो गया ना, चाहते तो देव प्रग जाए जाना, जबरदस्ती हो गई क्या करें। ग्रह दशाएं समझो चाहे कोई भी निमित्त कारण समझो तो दिमाग को घुमा दिया। इसीलिए अनेक कारण निमित्त कारण बन जाते हैं, न चाहते भी सो अनिच्छन्न पिवार्षणेय, गीता में का बला दीवनी, न चाहते हो जाते ना, कई घटनाएं हो जाती। अगला अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ कर बैठते हैं, आपको मजबूरी में अपने रक्षा के लिए करनी पड़ जाती है, क्या करोगे आप चाहते थोड़ी है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए करनी पड़ेगी, ये समस्या है। धर्मो रक्षति रक्षित, क्या अपनी रक्षा करता है, अपने स्वधर्म की रक्षा। प्राणादि विकल्प से सत्वाद शुक्ति का रजतादे कह दिया, ये जो रजतादि हैं इन रजतादि वास्तव में है ही नहीं, तद जगत है ही नहीं, उसका अधिष्ठान ब्रह्म तुरी को हम कैसे वर्णन करेंगे, इस तरह से खंडन कर दिया। अब आए देखिए सारा विकल्प टीका में, वाच्यत्व तुरी से निरुच्यमाने तब शब्द प्रवृत्त निमित्तम वक्तव्यम, आप तुरी के प्रति तुरी तत्व को वाच्यत्व रूपेण स्वीकार करके उसको भी शब्दों में कथन करना चाहते हो तो उस ब्रह्म तत्व में शब्द प्रवृत्ति निमित्त क्या है ये आपको कहना पड़ेगा। तत्व षष्ठी वा रूढ़िर वा जातिर वा क्रिया वा गुणो वा इति विकल्प्य प्रथम प्रत्याह इति, उसे पांच विकल्प उठाया, षष्ठी मने संबंध, दूसरी रूढ़ी, तीसरी जाति, चौथी क्रिया, पांचवी गुण, अन्यत्र चार ही लिया गीता में, यहां पांच बता, रूढ़ी एक एक्स्ट्रा दे दिया। और सर रूढ़ी पर टिप्पण भी है, पांचवा टिप्पण, रूढ़ी मैंने प्रत्यक्षादि प्रसिद्धि रित्यर्थ, प्रत्यक्ष से प्रसिद्धि भूता द्रव्यात्मक भी सीधे सीधे ले सकते हैं, जाति विशिष्ट जो द्रव्य। आप देखिए मूल में भाष्यकार एक एक खंडन करते हैं, संबंध को पहले खंडन, नहीं सदसुतो हो संबंध, संबंध को आधार के माध्यम से आप तुरी तत्व को किसी शब्द के द्वारा कथन नहीं कर सकते, क्योंकि असत भूत है इस जगत का सत ब्रह्म के साथ कोई संबंध हो नहीं सकता। शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग व अवस्तुत्वात्, शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग अवस्तुत्वात्, क्योंकि वह शब्द प्रवृत्ति निमित्त के भागी ही नहीं हो सकता, क्योंकि अवस्तुत्वात्, तार संबंध भी क्या होगी, सत के साथ असत का किस संबंध कल्पना भी करोगे तो संबंध भी असद रूप ही होगा, सत हो ही नहीं सकता। तुरियातिरिक्त विशिष्ट रूप कहते नहीं, तुरियातिरिक्त अवस्तुत्वात्, जो तुरी से अतिरिक्त जो है वह अवस्तु है, तस्य तुरी से च वस्तुभूत संबंध असिद्ध है, ऐसे असद वस्तु का अवस्तु का तुरीभूत वस्तु के साथ संबंध हो नहीं सकता, विषयाभाव है कुत षष्टित्यर्थ, इसलिए विषय ही नहीं रह गया तो विषय विषय भाव संबंध आदि की कल्पना आप नहीं कर सकते, संबंध की व्यवस्था नहीं हो सकती। विषय क्या है, धर्म प्रतियोगी रूपा तुरियातिरिक्तम वस्तुत्वभावात् नापि प्रमाणांतर विषयत्वम स्वरूपेण गवादिवत्, प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर का विषय भी नहीं हो सकता ब्रह्म, जिसके आधार पर आप जो है कथन करना चाहो। भाष्य 45 पृष्ठ दूसरी पंक्ति, नापि प्रमाणांतर विषयत्वम स्वरूपेण गवादिवत्, प्रमाणांतर का
विषय भी नहीं हो सकता है वो स्वरूपेण गौ आदि के समान। गौ आदि कैसे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है ना, जैसा वन्य भी क्या है पर्वत में अनुमान का विषय बन रहा है कि नहीं। और शब्द के द्वारा वाच्य वाचक भाव संबंध ग्रहण कर लेते हो, संज्ञा संजीव संबंध बोध ज्ञानम उपमान है ना, गवय का ज्ञान हुआ, गवया गवय शब्द वाच्य इत्यादि अनेक प्रमाणों के द्वारा वस्तु का बोध जैसे होता है वैसे प्रमाणांतरों के विषय नहीं हो सकता। प्रमाणांतर ना भी प्रमाणांतर विषयत्व स्वरूपेण स्वरूपेण व प्रमाणांतर विषय नहीं हो सकता गवादि के समान। आत्मनिरुपाधिकत्वात् गवादिवत् नापि जातिमत्त्वम्। और आत्मा निरुपाधिक है, निरुपाधिक होने के नाते गवादियों के समान इसको जातिमान भी नहीं मान सकते। गौ क्या है? एक सोपाधिक वस्तु है, सावय वस्तु है, उसमें गोत्व जाति मानी जा सकती है, सकल अवयव में व्याप्त जाति मानी जा सकती है, लेकिन ब्रह्म कोई सावय निर्वय सोपाधिक वस्तु न होने से उसे कोई जाति भी नहीं मान सकते। और कोई सामान्य विशेषाभाव, क्योंकि जाति कब मानी जाती है? सामान्य और विशेष भाव हो तो, उसी में क्या होता है अनेक विशेषों में एक सामान्य को मानना ही जाति मानते हैं बोलो। न नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य, वो अनेक क्या है? विशेष है। ये एक विशेष घट है, वो एक विशेष घट है, वो एक विशेष घट है, एक विशेष घट, अनेक विशेष घट है, अलग 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 अनेकों घट है। अनेक विशेषों में एक सामान्य मानना पड़ा, इन सभी में घटत्व जाति है। यदि वो अनेक विशेष ना होता तो वहां जाति अब नहीं मानती, यथा आकाश, आकाश में कोई जाति नहीं क्योंकि वो अनेक आकाश होता नहीं, अनेक आकाश विशेष नहीं है, अतः उसमें आकाश तो जाति नहीं मानते। तद्वत्तुरी ब्रह्म भी अनेक विशेषण स्वरूप वाला नहीं है, अतः वो उसमें भी जाति नहीं हो सकता। ना भी क्रियावत्व, क्रियावत्व भी नहीं, पाचकादिवद अविक्रियत्वात्, पाचक शब्द जो क्रियाओं को लेकर इस बार होता है, वैसे ब्रह्म में कोई क्रियावाचक शब्द को लेकर क्रिया को लेकर क्रियावाचक क्रिया विशिष्टवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे पाचक इत्यादि शब्द हैं उस प्रकार से ब्रह्म के लिए प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये अविक्रियत्वात् ये ब्रह्म क्रिया रहित वस्तु है। नाभि गुणवत्व नीलादिवत निर्गुणत्वात्, हर नीलादियों को लेकर के गुणवत्व भी आप नहीं कह सकते ब्रह्म में, क्योंकि यह ब्रह्म निर्गुण है। जैसे उत्पलादियों में नीलम उत्पलम प्रयोग होता है, ऐसे नीलम ब्रह्म प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि नील आदि गुण चाहे रूप रस गंध स्पर्श कोई भी गुण, 24 गुण मिंद मानते नहीं है एक लोग, उनमें किसी भी गुणों से विशिष्ट यह ब्रह्म नहीं है। अतएव शब्द प्रवृत्ति का निमित्त में से एक भी निमित्त न होने के कारण से शब्द के द्वारा वाच्य ब्रह्म न होने से शब्द वाच्य जो भी है इस संसार में उन सबका निषेध के द्वारा ब्रह्म का कथन माने ब्रह्म को लक्षित किया जा सकता है। अतो नाभिधान निर्देशम वर्ति निष्कर्ष दे दिया, इसलिए अभिधान माने शब्दों के द्वारा उस ब्रह्म का निर्देश करना संभव नहीं है। तब पूर्व पक्ष कहता है फिर तो तुम्हारा ब्रह्म भले शून्य नहीं है किंतु शिवशाणादि समत्वात् निरर्थकत्वं तर्हि, तो खरगोश के सींग जैसा व्यर्थ ही है तुम्हारा ब्रह्म, कोई मतलब नहीं उसका, फालतू है वो। शश विषाण आदि समत्वात् निरर्थकत्वं तर्हि, खरगोश के सींग आदि के समान हो जाएगा तुम्हारा ब्रह्म तुरीय तत्व, अत निरर्थक है, उसको जानने का भी कोई प्रयोजन नहीं। खरगोश के सींग को जान के क्या फायदा होगा, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है। खपुष्प का वर्णन कर लो, ग्रंथ लिख डालो, क्या फायदा, कौन पढ़ेगा उस ग्रंथ को, कोई पागल भी नहीं पढ़ेगा, बेकार गया, कोई तत्व उसमें है नहीं। इसे निरर्थकत्व कर रही है, ब्रह्म का चिंतन करना ही निरर्थक हो जाएगा, चेतना ऐसा मत कहो। क्यों भाई? कहते हैं आत्मत्वगमे तुरीयस्य अनात्म तृष्णा व्यावृत्य तत्वा, क्योंकि अपने आत्मस्वरूप को जानने से क्या होता है, आपका सबसे बड़ा लाभ यह है अनात्म संबंधी जो तृष्णा थी वह समाप्त हो जाता है। तुरीय को अपने आत्मस्वरूपत्व अनुभूति कर लेने से
अनात्मा जो जगत है एक तो विशेष तृष्णा की व्यावृत्ति हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इदम अस्ति इदम अपि मे, ये जो तृष्णा बना हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। उसका साधन है अतएव तुरी को जानना जरूरी, निरर्थक नहीं है, सार्थक है। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म शशिषाण आदि के समान नहीं है, इसलिए ब्रह्म का ज्ञान निरर्थक भी नहीं है। किंतु अनात्म तृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात् जैसे शुक्ति का अवगम इव रजत तृष्णायाः, जैसे रजत की तृष्णा हुई, लेकिन जैसे आपको पता चला ये शुक्ति का है तो आपके हृदय में उत्पन्न हुई जो रजत प्राप्ति की जो तृष्णा जो तीव्र इच्छा वह अपने आप मिट जाता है। जब जान ले रजत है नहीं तो इच्छा कहाँ रह जाएगी, अब खत्म है कि नहीं। आदमी वर्णन आता है इसके लिए दृष्टांत जो देते हैं ना, हालत वह है आदमी अपने पत्नी की इच्छा से दौड़े दौड़े घर आया और घर में पत्नी मरी मिली तो क्या करेगा, इच्छा की मां ही मर जाएगी, खत्म हो, फिर वही ठंडा हो जाएगा, फिर भोग की चखा से कर सकता। तद्वत आप पुरुष तत्व दौड़े विषय भोग के लिए, विषय भोग क्या है, अविद्या। और जब आप दौड़े इतने, लेकिन आपके सर्व ज्ञान की वजह से वहां देखा अविद्या मर गई है, तो अविद्या मर जाएगी तो उसके बाद कहां से इच्छा कोई चीज की जगने वाली है, कि इच्छा की मां अविद्या थी वही मर गई। इसी तरह यहां विश्रे कहते हैं कि निरर्थक नहीं है भाई, ये भ्रम स्थल है ना, भ्रम स्थल में अधिष्ठान ज्ञान से भ्रम निवृत्ति फल नहीं होता, किंतु भ्रम के कारण से भ्रम का विषय संबंधी जो तृष्णा थी वह निवृत्ति मुख्य फल है। शोक निवृत्ति तृप्तिश्चा, ये तो फल बताया ना सात अवस्थाओं में पंचदशी में, आवरण मल विक्षेप बताया, नाम रूपात्मक भ्रांति, उसके बाद शोक निवृत्ति और अंत में तृप्तिश्च, तृप्ति प्राप्त होती। वो यहां पर बता रहे हैं आपके अंदर जो तृष्णा था उसका अभाव हो जाएगा तो तृप्ति हो जाएगी। नहीं तुरी से आत्मतोग में सती अविद्या तृष्णादि दोषाणाम संभव अस्ति, कि तुरी को अपने आत्मस्वरूपत्व न अनुभव होने के बाद में अविद्या और से कार्य तृष्णादि दोष हो ही नहीं सकते, नहीं संभव अस्ति, उनकी संभावना ही नहीं रह जाती है। न चतुर्य आत्मोत्तर अवगमे कारणम अस्ति, और तुरी को आत्मत्व न जानने के प्रति और कोई कारण भी नहीं है। अनवगमे कारणम न अस्ति अर्थात अवगमे कारणम अस्ति, अनवगम में कारणम न से मतलब क्या, अवगमे कारणम अस्ति, क्योंकि सर्वोपनिषदां तादर्थिन पक्षयात्, सारे उपनिषद मंत्र इसी का कथन करते हुए क्षय को प्राप्त होते हैं।